नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपको ऑरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो चैप्टर है, आज इसके चैप्टर में देखना है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यूज़ ऑफ स्क्रू थ्रेड और उसके कुछ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस देखना है। इतने पॉइंट्स आपको वी हैव टू कवर इन दिस लेक्चर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये नट है आपका और ये आपका बोल्ट है, तो आप डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज़ करते हो। जहाँ पे आपको कुछ दो चीज़ें एक दूसरे से फिक्सली फॉर्मली फिक्स करनी है, तब आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या आपको जो ये थ्रेड्स दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? स्क्रू थ्रेड्स कहते हैं। इसका बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं, मेजर डायमीटर रहता है, माइनर डायमीटर रहता है। ये कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब इसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इसमें एरर्स क्या होते हैं, ये सारा इस चैप्टर में मतलब स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी में आपका कवर होता है। तो इंट्रोडक्शन में कुछ आप ऐसे कह सकते हो कि स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल्स। डील्स विद द स्क्रू थ्रेड प्रोफाइल्स, ये जो आपको प्रोफाइल दिख रही है इसके साथ ये डील करती है। दिस मेजरमेंट अनसर्टन द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ स्क्रू थ्रेड, देयर स्ट्रेंथ एंड वर्कएबिलिटी। दे ऑल्सो हेल्प नोइंग द एरर्स इन थ्रेड्स। अभी उनका बोलने का मतलब है कि स्ट्रेंथ एंड वर्कएबिलिटी। स्ट्रेंथ एंड वर्कएबिलिटी क्या होता है? जब ये मैन्युफैक्चर होते हैं तो क्या होता है, अभी देख सकते हो इसका ये जो इतना पोर्शन दिख रहा है आपको, इसका ये डायमीटर है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चर करते टाइम समझो ये थ्रेड ऐसा मैन्युफैक्चर हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका ये जो नेक एरिया है ये कम हो जाएगा और इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो इसमें मैन्युफैक्चर करते टाइम जो भी कुछ एरर आते हैं वो एरर फाइंड आउट करने का काम अपना होता है स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट में। द फॉर्म इन विच द स्क्रू थ्रेड इज मेड इज नेचुरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फंक्शन। अभी ये दोनों का मेन फंक्शन क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या होने चाहिए, फर्मली फिक्स होने चाहिए। और ये फिक्स कब होते हैं, इसमें एक यहाँ पे जो एरिया रहता है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। सेम ये एक्सटर्नल थ्रेड्स है, ये इंटरनल थ्रेड्स है, इसमें क्या पे यहाँ पे फ्लैंक एरिया है। ये दोनों फ्लैंक एरिया कंसिडर करो, ये इसका एरिया है और ये इसका एरिया है और ये ऐसा फ्लैंक का एरिया और ये इसका एरिया है। ये दोनों क्या होने चाहिए, ये जो फ्लैंक का एरिया दोनों को एक दूसरे को फर्मली फिक्स होना चाहिए, तभी उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ अच्छे से आता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशनल कंट्रोल इज़ टू इंश्योर मैकेनिकल स्ट्रेंथ विच इज़ गवर्न बाय द अमाउंट ऑफ फ्लैंक कॉन्टैक्ट रादर दैन द फिट इन द स्क्रू थ्रेड। ये दोनों का फ्लैंक कॉन्टैक्ट कितना है उसके ऊपर उसका क्या है, स्ट्रेंथ डिपेंड है ना, उसके फिटमेंट पे उसका स्ट्रेंथ डिपेंड है। हेंस द नेसेसरी अराइज टू कंट्रोल द डायमेंशन ऑफ द थ्रेड। इसकी वजह से क्या है कि इसका डायमेंशन कंट्रोल का नेसेसिटी अराइज हुआ है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि यूज़ क्या है, स्क्रू थ्रेड का यूज़ कहाँ पे होता है। आप देख सकते हो कि स्क्रू थ्रेड मेट्रोलॉजी के इसमें देखा जाए तो माइक्रोमीटर, आपका माइक्रोमीटर में मैंने पहले भी बताया था क्या कि उसमें क्या होता है, नट एंड बोल्ट का अरेंजमेंट रहता है। जैसे आप उसका रैचेट घुमाते हो वैसे वो आगे आगे एनविल आपका मूव होता है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन में होता है। पावर ट्रांसमिशन में मतलब एक स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक के इसमें क्या होता है कि स्क्रू थ्रेड का पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद उसका यूज़ है फास्टनर्स, एज ए फास्टनर। जैसे आपको मैंने बताया कि एक दूसरे के लिए एक दूसरे को चीज़ें कंसिडर करो, एक प्लेट है और एक दूसरी एक प्लेट है, इसके दोनों के अंदर यहाँ पे होल था, ये दोनों मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे नट बोल्ट का अरेंजमेंट करके उनको टाइट कर दूँगा। तो ये फास्टनर का यूज़ है, पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है और माइक्रोमीटर में भी इसका यूज़ होता है। उसके बाद मेन आती है आपकी टर्मिनोलॉजी। आप देख सकते हो आपको ये डायग्राम याद रहनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे ये आपकी प्रोफाइल है, ये जो दिख रही है ब्लैक कलर में, ये आपकी प्रोफाइल है ऐसी, ठीक है। अब इसमें मेन क्या क्या पॉइंट्स आते हैं टर्मिनोलॉजी में, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। तो प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द स्क्रू थ्रेड इसको क्रेस्ट कहते हैं, और इसको यहाँ पे जो पार्ट रहेगा उसको रूट कहते हैं। फिर ये जो एरिया है इतना, इसको फ्लैंक कहते हैं, और ये भी फ्लैंक है। ये दोनों फ्लैंक ने जो ये और ये फ्लैंक ने जो एरिया कवर किया है, मतलब ये जो एंगल कवर किया है इसको क्या कहते हैं, फ्लैंक एंगल कहते हैं। और ये जो आपका स्क्रू थ्रेड का प्रोफाइल है उसके, अगर आपने इसका एक्सिस, आपके ऐसा एक्सिस है यहाँ पे, इसको अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और एक फ्लैंक से उसने आपको अपने एंगल मेजर किया, तो उसको फ्लैंक एंगल कहते हैं। बाद में और बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे मेजर डायमीटर है, उसके बाद माइनर डायमीटर है,
मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर क्या होता है कि कंसिडर करो आपका ये स्क्रू थ्रेड है, ये स्क्रू थ्रेड है ऐसे, जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस मेजर होता है उसको मेजर डायमीटर कहते हैं, और जो रूट टू रूट डायमीटर मेजर होता है उसको माइनर डायमीटर कहते हैं। फिर यहाँ पे और एक टर्मिनोलॉजी है, पिच थ्रेड, पिच डायमीटर मतलब क्या कि ये जो थ्रेड्स रहते हैं, ये थ्रेड्स के मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर से के बीच में से जो एक और एक मिडल में से एक डायमीटर जाता है उसको क्या कहते हैं, पिच डायमीटर कहते हैं। आप देख सकते हो एक पिच लाइन है, ये पिच लाइन का काम क्या है, यहाँ से पिच डायमीटर मेजर करते हैं। अगर आपने ये केयरफुली देखा तो ये जो पिच लाइन है ये क्या कर रही है, ये जो थ्रेड है, थ्रेड का ओपन स्पेस और थ्रेड, ये दोनों का अगर डिस्टेंस आपने मेजर किया तो ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ये ऐसी लाइन जो आपका स्क्रू थ्रेड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको क्या कहते हैं, पिच लाइन कहते हैं। एक एक अभी उसका पिच का डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पिच है, पिच उन्होंने गलत दिखाया यहाँ पे। एक्चुअली पिच क्या होता है, एक एक सक्सेसिव क्रेस्ट से दूसरे सक्सेसिव क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक, उसके बाद लीड, लीड यहाँ पे नहीं दिखाया लेकिन लीड का डेफिनेशन में है, मेजर डायमीटर, इट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड विच वुड टच द क्रेस्ट। उसके बाद माइनर डायमीटर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द थ्रेड विच वुड टच द रूट। पिच डायमीटर, इट इज़ द मिडल डायमीटर बिटवीन द मेजर एंड माइनर डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। रूट ऑफ द रूट, जैसे मैंने बताया कि आपकी ये थ्रेड प्रोफाइल है, सॉरी ये थ्रेड प्रोफाइल है, ये जो ऊपर का प्रोमिनेंट पार्ट है आपका वो क्रेस्ट है, ये नीचे का जो दो फ्लैंक ने जो कवर किए आप बॉटम में उसको रूट कहते हैं। फिर मेजर डायमीटर क्या है कि ये जो क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो डिस्टेंस मेजर होता है उसको क्या कहते हैं, मेजर डायमीटर। जो रूट से रूट ले डिस्टेंस मेजर होता है उसको माइनर डायमीटर कहते हैं। और रूट हो गया, फ्लैंक एंगल, फ्लैंक एंगल मतलब ये दोनों एंगल ने जो थ्रेड एंगल, ये तो थ्रेड एंगल जो ये फ्लैंक है और ये फ्लैंक के बीच में जो डायमीटर है, जो एंगल है उसको थ्रेड एंगल कहते हैं। और फ्लैंक एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन एक्सिस जो थ्रेड एक्सिस होता है उसको ड्रॉ करना पड़ता है, और ये जो एंगल रहेगा आपका ये क्या रहेगा, फ्लैंक एंगल, इट इज़ द एंगल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ थ्रू थ्रेड फ्लैंक्स। पिच, पिच ऑफ द थ्रेड इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये जो दो क्रेस्ट है ये दो क्रेस्ट का डिस्टेंस का जो डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। एंगल, द थ्रेड एंगल ऑफ स्क्रू थ्रेड इज द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स। उसके बाद क्रेस्ट, क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड इज द टॉप पार्ट ऑफ द ग्रू दैट करस्पॉन्ड विद द मेजर डायमीटर। फ्लैंक, द फ्लैंक इज द एंगल एट विच हेलिक्स इज रेस्ट टू फॉर्म ए क्रेस्ट। ऐसे उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। उसके अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।